morning students today we will start our final exam course in english reader so our chapter number is 8 the pretty peacock the peacock is the national bird of india as you all know peacock is the national bird of india it is greenish blue in color it is A beautiful bird. It has long feathers in its tail. When the peacock spreads its tail, the feathers in it look like a big, colorful fan. Now, students, आपको पता ही है, peacock हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, okay? और कैसे colour में होता है बच्चों ये greenish blue colour में. ओके okay? बहुत ही सुंदर होता है एज यू कैन सी सी सो ब्यूटिफुल ओके एंड वेन इट्स स्प्रेड स्टेल टेल जब वो अपनी इस टेल को स्प्रेड करता है जो फेदर्स बहुत बड़े कलरफुल फैन की जैसे लगते हैं ओके वॉज अ स्टोरी टेलर हु अगो ही शॉर्ट स्टोरीज कॉल्ड फैबल्स

Let's begin this chapter. Far away in the jungle there lived a peacock. He was very pretty, but he was not very happy with his voice. Students Bohat jungle andar far away. Far. In the jungle a Peacock. Okay? और वो बहुत प्रिटी मतलब एज यू कैन सी सी बहुत प्रिटी था ओके okay? बट लेकिन वो अपनी वॉइस जो उसकी आवाज़ थी उसे बिल्कुल भी खुश नहीं था नॉट हैप्पी ओके ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज डेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज हार्श वॉइस और वो सारा दिन complaining मतलब जैसे आप कंप्लेन करते ना मामा आपने ये नहीं किया या डैडी को कुछ बोलते हैं तो कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करना तो वो हमेशा उसकी जो आवाज़ थी हार्श मतलब उसकी थोड़ी सी हार्श वॉइस थी ठीक है और वो उसकी कंप्लेन करता रहता था वन डे वन ही वॉज ऑल अलोन एंड ग्रम्बलिंग अ फॉक्स पस्ट बाय he gently spoke to the peacock, dear friend, it is true that you cannot sing, but look how beautiful you are. Now students, अब एक दिन क्या हुआ जब peacock अकेले था और उसके पास से कौन गुजरता है fox, okay और से क्या बोलता है डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त इट इज ट्रू क्या यह सच है दैट तुम गा नहीं सकते बट लोग देखो तुम कितने सुंदर हो आके देखें ओ डियर वॉट गुड इज ऑल दिस ब्यूटी विथ सच एंड अनप्लीजेंट वॉइस सेट द पीकॉक आप पीकॉक उसको बोलता है ओ oh डियर क्या इसमें क्या अच्छा है व्हाट इज़ गुड इन दिस ब्यूटी क्या अच्छा है इस ब्यूटी में जब मेरी आवाज़ ही अनप्लीजेंट मतलब अच्छी नहीं है सुनने में मतलब अच्छी नहीं लगती ऐसी मेरी आवाज़ है वो पीकॉक ने फॉक्स को बोला द फॉक द फॉक्स थाट फॉर टाइम एंड देन सेड ईच वन है़ हिज़ ओन स्पेशल गिफ्ट अब फॉक्स ने बच्चों क्या बोला उसने बोला कि पहले कुछ थाट फॉर सम टाइम मतलब उसने कुछ देर के लिए सोचा और सोच कर फिर बोला उसने बोला ईच वन मतलब हम सब हम में से सब हैज़ हिज़ ओन स्पेशल गिफ्ट मतलब हम सबके पास हर एक, एक के पास एक स्पेशल गिफ्ट होता है यू आर वेरी ब्यूटिफुल तुम बहुत सुंदर हो द नाइट एंगल सी लुक एट हीयर दिस पिक्चर इज नाइट एंगल हैज़ अ लवली वॉइस इसकी वॉइस बहुत ही अच्छी होती है द आउल हैज़ हिज़ शार्प आइज एज यू आर ऑल नो आउल की कैसी आइज़ होती है बच्चों शार्प आइज़ होती है एंड द ईगल इज़ वेरी स्ट्रोंग और जो ईगल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इवन इफ़ यू हैड अ लवली वॉइस डियर फ्रेंड यू वुड स्टिल फाइंड समथिंग एल्स टू ग्रामल अबाउट फिर फॉक्स उसको बोलता है कि सबके पास अपना अपना तुम कितने ब्यूटीफुल हो नाइट एंगल देखो बहुत अच्छी उसकी वॉइस होती है ऑल है उसकी आइज बहुत शार्प होती है ईगल बहुत स्ट्रोंग होता है अगर तुम्हारी वॉइस अगर लवली होती बहुत अच्छी होती है फिर भी तुम शिकायत ही करते रहते ग्रम्बल ही करते रहते कि आ, मैं सुंदर नहीं हूँ तो इससे कुछ भी नहीं है कि हमें क्या होना चाहिए संतुष्ट होना चाहिए हमें हमें जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए फ्रॉम दैट डे द फीक ऑक नेवर कंप्लेंट ही नाउ वॉक्स प्राउडली डिस्प्लेइंग हिज ब्यूटिफुल फैदर्स बच्चों उस दिन के बाद पीकॉक ने कभी भी शिकायत नहीं की और इस तरह से वो अपने फैदर्स को हमेशा फैला के दिखाता रहा अपने ब्यूटीफुल फैदर्स को ओके आई होप यू लाइक द स्टोरी ओके आई विल सेंड द वर्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ओके बाय बाय टेक केयर